देखिए, आइकिया फर्नीचर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार उनका है। और आइकिया ने पहले एक करार हमारे यहाँ किया था MOU 2015 में 500 करोड़ रुपए के निवेश का, किंतु कतिपय कारणों से वो बाद में आंध्र प्रदेश चले गए। अभी जो माहौल उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का बना है, उससे प्रेरित होकर वो दोबारा आए हैं, हम लोगों के साथ संपर्क किया है और तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का उनका प्रस्ताव है, जिसमें वो तमाम बड़े जगहों पे आउटलेट अपना खोलेंगे। उत्तर प्रदेश का मिडिल क्लास जो है बहुत ही अपवर्डली मोबाइल है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है उत्तरोत्तर। वो विकास का एक द्योतक है, जहाँ मिडिल क्लास की इनकम बढ़ती है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और फर्नीचर का बहुत बड़ा बाज़ार हो जाएगा, अभी भी है और आने वाले दिनों में बड़ा हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल को देखते हुए, जो हमारी नीतियाँ प्रतिपादित की गई हैं औद्योगिक विकास की और रोज़गार प्रोत्साहन की 2017 की, इन सब से प्रेरित होकर बहुत सी कंपनियां आ रही हैं और आइकिया भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई और हमारे पास आए हैं। उन्होंने एक MOU का प्रारूप हमारे पास भेजा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उनको हम जल्द ही जवाब देंगे। और उनका ये कहना है कि यदि MOU हो जाता है तो 7 दिनों के अंदर वो अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो हम उसको MOU के प्रारूप को अंतिमीकरण कर रहे हैं और जल्द ही उनको हम प्रेषित कर देंगे। सर, कौन कौन से प्रमुख जगह होंगे? देखिए, शुरुआत तो कर रहे हैं नोएडा से, और नोएडा में बहुत बड़ा शोरूम खोलना है उनको, और उसके बाद जो बड़े शहर हैं हमारे, जो Tier 2 सिटीज़ हैं, लखनऊ है, कानपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, गोरखपुर है, वाराणसी है, झांसी है, ऐसे Tier 2 टाउन में आएंगे और फिर Tier 3 टाउन में जाएंगे वो।